देख रहे हैं जी न्यूज 7 खबर गाजीपुर जनपद से, जहां सदर कोतवाली क्षेत्र के नखास इलाके में कुछ दिन पूर्व एक युवती की उसके घर के अंदर चाकू से गोदकर हुई हत्या का अनावरण करने में पुलिस टीम ने सफलता हासिल की है। देखिए एक रिपोर्ट। कल सुबह कोतवाली पुलिस को करीब सुबह 7:30 बजे सूचना मिली थी कि नखासा इलाके में एक युवती की चाकू गोद कर हत्या कर दी गई है। इस सूचना पर तत्काल हमारी कोतवाली पुलिस, सभी वरिष्ठाधिकारी जिले के और स्वाट सर्विलेंस टीम भी मौके पर गई थी। शहर के अंदर की घटना थी और काफ़ी सनसनीखेज घटना थी, काफ़ी भीड़ इकट्ठी थी। जब इसकी इन्वेस्टिगेशन पुलिस द्वारा की गई, क्योंकि इसमें 4 टीमें हमारी लगाई गई थी कोतवाली और स्वाट सर्विलेंस सहित, तो मृतक इसमें संज्ञान में आए। उसमें एक लड़का अपराधी किस्म का लड़का था, जिसका इस जो मृतका है इससे काफ़ी बातचीत होती थी, और एक तरह से कहा जाए तो पिछले 2-3 महीने से दोनों अफेयर में थे। और इस राहुल नाम के अपराधी को ये लगने लगा था कि शायद उसके साथ कोई चीटिंग या धोखा हो रहा है, जिसके कारण उसने आवेश में आके कह रहा है, लेकिन बड़ी सोची समझी अपनी चालाकी से और रणनीतिक तरीके से इसने इस महिला की 9:50 की रात में इसके घर में घुसकर चाकुओं से गोद के हत्या कर दी थी। पुलिस द्वारा इसे कल गिरफ्तार किया गया है, आज इसे जेल भेजा जा रहा है। इसके पास से आला कतल, जिस चक्कू से इसके द्वारा हत्या की गई थी, तथा जो मोबाइल इसके द्वारा पिछले 2-3 महीने से इस्तेमाल किया जा रहा था, इससे हर तरह के सोशल मीडिया और बातचीत करने के लिए, उसकी भी बरामदगी पुलिस द्वारा की गई। क्या कई आपराधिक इतिहास पूर्व में भी ये गया है और मनबड़ किस्म का अपराधी है, सोहल थाने से भी पूर्व में जेल गया है अभी तक।